नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की खबरों में हम जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ डोमेस्टिक उड़ानों के बारे में भी जानकारी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये खबरें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। एयरलाइंस से इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार भारत सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को खुश करने के लिए फ़्लाइट्स के किराए की कैपिंग को बढ़ा दिया है। यानी कि जो फ़्लाइट का किराया पहले आपको दिल्ली से मुंबई का 5000 के आसपास मिलता था, अब वही फ़्लाइट का किराया आपको 6000 से 7000 तक का मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 10 से 12% का अब आपके फेयर में इजाफा हो चुका है। इससे अब जो लोग भी डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करेंगे उनको फ़्लाइट्स का किराया महंगा पड़ने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, एयरलाइंस कंपनियों को तो इससे फ़ायदा होगा, वहीं यहां पर पैसेंजर्स के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहां पर जो आ रही है वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इस समय भारत के कई बड़े मीडिया चैनल्स में रिपोर्टिंग हो रही है कि गल्फ़ देशों की फ़्लाइट खुलने के बाद अब भारतीय लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रिपोर्टिंग की गई है, जिसमें बताया गया है कि दुबई की उड़ानें चालू होने के बाद अब बहुत सारे लोग भारत के अलग अलग शहरों से दुबई के लिए ट्रैवल करके जा पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दुबई के लिए अब भारत के छोटे शहरों से भी, जैसे कि अहमदाबाद, कोलकाता और भी कई सारे लोकेशंस के लिए सीधी उड़ानें चालू हो गई हैं, जहाँ पर यूएई की एयरलाइंस कंपनियाँ और भारत की एयरलाइंस कंपनियाँ अब दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटों की शुरुआत कर चुकी हैं। आपको बता दें कि इस समय फ़िलहाल के लिए गल्फ देशों में केवल 2 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय पैसेंजर्स के लिए अपने बॉर्डर को खोला हुआ है, और वो भी केवल कुछ लिमिटेड कैटेगरी के लोगों के लिए। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास उन देशों का रेजिडेंट वीज़ा है, केवल ऐसे लोग ही इन देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं, जिनके नाम हैं यूएई और कुवैत। इसके अलावा अभी भी कई सारे देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, इसके अलावा बहरीन और ओमान, ये सभी देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोले हैं। और यदि आप इन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको अभी और भी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कतर की, तो कतर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर काफ़ी लंबे समय से खोला हुआ है। जो लोग यहाँ पर कतर में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, यदि आपके पास ट्रैवल वीज़ा है, नॉर्मल वीज़ा है, तो भी आप इस समय कतर के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन कतर में ट्रैवल करने के बाद आपको वहाँ पर कंपलसरी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अफगानिस्तान को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के खतरे को देखते हुए अब दुनिया के लगभग सभी देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी लगभग 1500 भारतीय हैं जो कि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनको भारत सरकार निकालने की तैयारियाँ शुरू कर चुकी है। इसके लिए एयर इंडिया की मदद ली जा सकती है। एयर इंडिया के पायलट यूनियन ने भी इसको लेकर जानकारी दी है कि वो अफगानिस्तान में फंसे हुए नागरिकों को देश में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारत सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूके, यूएसए, जर्मनी और भी दुनिया के दूसरे देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए तैयारियाँ शुरू कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहां पर अमीरात एयरलाइंस से आ रही है। आपको बता दें कि अमीरात एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो मार्च 2020 के बाद पहली बार अब जापान के टोक्यो शहर के लिए अपने A380 उड़ानों को चालू कर चुकी है। यानी कि फ्रेंड्स, इस समय अमीरात एयरलाइंस जापान के लिए अपनी A380 फ़्लाइट की सेवाएं शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि A380 एयरक्राफ्ट जो हैं दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनमें एक साथ 500 से भी अधिक लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है नेपाल से। आपको बता दें कि यूएई की एयरलाइंस कंपनी एयर अरेबिया जो है नेपाल से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है, और अब ऐसे लोग भी ट्रैवल करके जा पा रहे हैं जो कि पहले रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट ना होने के कारण ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। आपको बता दें कि एक प्राइवेट फर्म के माध्यम से अब ये सभी लोग रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट करवा रहे हैं और एयर अरेबिया की उड़ानों के माध्यम से यूएई ट्रैवल करके जा पा रहे हैं। इससे पहले यूएई की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया था कि यदि आपको यूएई ट्रैवल करके आना है तो आपको नॉर्मल कोरोना वायरस टेस्ट होने के साथ साथ रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट भी कराना है, जो कि फ़्लाइट में बैठने से केवल 2 से 3 घंटे पहले कराना होता है। और इस तरीके की फैसिलिटी नेपाल में मौजूद नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग नेपाल से यूएई ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एयर अरेबिया की फ़्लाइटों के माध्यम से, जिसमें अब एक प्राइवेट फर्म इस टेस्ट को कर रही है, उसके माध्यम से ये सभी लोग अब ट्रैवल करके जा रहे हैं।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहां पर विस्तारा एयरलाइंस से आ रही है। विस्तारा एयरलाइंस ने यह जानकारी दी है कि 16 अगस्त के बाद वो भारत से लंदन के लिए अपनी फ्लाइटों को 4 गुना कैपेसिटी पर बढ़ा रही है। यानी कि पहले विस्तारा एयरलाइंस सप्ताह में केवल 1 फ्लाइट को ऑपरेट करती थी, तो अब यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस सप्ताह में 4 फ्लाइटों को ऑपरेट करेगी। यानी कि फ्रेंड्स 16 अगस्त के बाद भारत सरकार ने जो नियमों में बदलाव किया हुआ है, जिसके अनुसार दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां 30-30 फ्लाइटें ऑपरेट कर सकती है, उसके बाद अब यहां पर विस्तारा एयरलाइंस भी अपनी फ्लाइटों की कैपेसिटी को भारत और लंदन के बीच में बढ़ा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो लोग यहाँ पर भारत और लंदन के बीच में फ़्लाइट की किराए के बारे में बात कर रहे थे कि 1 लाख से 2 लाख का टिकट मिल रहा है, आपको बता दें कि ये जो फ़्लाइट का किराया है ये केवल आपको अगस्त महीने में ही इतना महंगा मिल रहा है। जो लोग सितंबर महीने में ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए फ़्लाइट्स का किराया आपको 35,000 से लेकर 50,000 रुपये में भी मिल रहा है। इसके लिए आप एक बार एयरलाइंस कंपनी की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सस्ती टिकट भी मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सभी लोग अगस्त महीने में जल्दी जल्दी ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, क्योंकि सितंबर महीने में ये डर है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है, जिसके बाद फिर दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है, जिस कारण से अगस्त महीने में ज़्यादा लोग ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। यही कारण है कि फ़्लाइट्स के किराए आपको महंगे मिल रहे हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ज्योतिरा सिंधिया के नए ट्वीट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरा सिंधिया ने बीते कल अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि इंडिगो एयरलाइन जो है 1 सितंबर से मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है, जिसमें दिल्ली से ग्वालियर, इसके अलावा ग्वालियर से दिल्ली और भी कई सारे लोकेशंस के लिए यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। फ्रेंड्स अगली बड़ी अपडेट यहां पर स्पाइसजेट से आ रही है। स्पाइसजेट ने अपने क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर स्पाइसजेट ने टोटल कंसोलिडेट लॉस 731 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया है। जी हां दोस्तों, पिछले साल ये जो लॉस था ये तकरीबन 600 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब ये लॉस बढ़कर 731 करोड़ हो गया है। आपको बता दें कि इस समय स्पाइसजेट जो है कोरोना वायरस के खतरे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है और लगातार स्पाइसजेट को लॉसेस हो रहे हैं, और अब ये लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि स्पाइसजेट जो है अब अपने वेंडर्स को भी समय पर पेमेंट नहीं कर पा रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई तरह के पेमेंट ड्यू होने की बात कही है, जहां पर स्पाइसजेट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को समय पर पेमेंट नहीं कर पा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहेंगे कि इन सब के बावजूद जो है स्पाइसजेट अपनी नई नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। टोटल यहाँ पर अगस्त महीने में स्पाइसजेट ने काफ़ी सारे फ़्लाइटों को चालू कर दिया है, और बीते कल भी यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि स्पाइसजेट जो है 2 वीकली डायरेक्ट फ़्लाइट जो है शुरू कर रही है बेलगाम एयरपोर्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीते कल दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि बेलगाम एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें जो है स्पाइसजेट शुरू कर रही है। फ्रेंड्स अगली और आखिरी अपडेट यहां पर बांग्लादेश को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में वीज़ा की सर्विस तो शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय बांग्लादेश में कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय बांग्लादेश में लगातार नए कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर डर है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट फिर दोबारा से इस प्रतिबंध को लागू कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले ही भारत की एम्बेसी जो कि बांग्लादेश में है, उसने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बांग्लादेश में वीज़ा की सर्विस शुरू हो गई है और लॉकडाउन के नियमों को हटाया जा रहा है। लेकिन अब फिर दोबारा से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बांग्लादेश में लॉकडाउन को फिर दोबारा से लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।